डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। मामला बदायूं जिले के बसौली का है, जहां बांके बिहारी हॉस्पिटल में महिला के बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। इस दौरान एसडीएम ज्योति शर्मा और डॉक्टर फिरासत हुसैन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल करने के बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वहीं इस मामले के दौरान कई बातें निकलकर सामने आई है कि बसौली क्षेत्र में पिछले महीने से लगभग 10 झूला छाप डॉक्टरों पर नोटिस भी आए थे। उनमें से बीके बिहारी हॉस्पिटल भी शामिल था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने इन पर छापेमारी नहीं की। यह स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। अगर पहले ही इस पर कार्रवाई हो जाती तो यह घटना सामने नहीं आती। वहीं पीड़िता के पति ने इस मामले में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मगर रात को करीब 12 बजे या 1 बजे के करीब उन्होंने सी सेक्शन कर दिया। उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। उसी की जांच कर हम आए हैं यहाँ पे। डॉक्टर्स और उनका स्टाफ सारा गायब है और जो हमारे साथ डॉक्टर हम वैसी हैं उन्होंने भी चेक की, तो जो प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए डॉक्टर को एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी यहाँ पे नहीं पाए। तो इसमें जांच करने के बाद ही हमें दिया जाएगा। तो ये बोले थे नॉर्मल हो जाएगा, तो मुझे कर लो। फिर रात के 12 बजे तक दवाई बहुत चलाते रहे, चलाने के बाद बोले कि 12 बजे तक ऑपरेशन होगा। हम खाने के जाते फिर आपने मजबूर होकर बोल दिया कर दो, फिर मैंने ऑपरेशन कर दिया। और इंसान बन फिर बोल रहे हैं कि बच्चा मरा हुआ है, बच्चा बच्चा हमारे सामने रोया नहीं है तो मरा हुआ है।